ओके दोस्तों, सो हाउ टू अवॉइड पिटफॉल एंड ट्रैप्स में एक और गेम देखते हैं। और ये गेम जो भी ये गेम है वो भी दो ग्रैंड मास्टर्स के बीच खेली जा चुकी है। तो गेम की शुरुआत होती है e4, c5, Nf3, Nc6, d4, c takes d4, Nt takes d4, g6, Nc3, Bg7, Be3, Nf6 और Bc4, कास्टली एंड वाइट ऑल्सो कास्टली। तो अभी तक आप देख रहे हो कि दोनों साइड से पूरी तरीके से अच्छी तरीके से दोनों साइड डेवलप हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे वाइट ने थोड़ा सा मिस्टेक किया और वो मिस्टेक की सजा उसको एक पॉन लॉस करने में उसको मिल गई। नाइट टेक्स e4 और उसके आंसर में वाइट ने खेला है नाइट टेक्स e4 और यहाँ पे ब्लैक ने फोर्क क्रिएट करने के लिए खेला है d5, लेकिन वाइट पहले कैप्चर करना चाहता है तो वाइट ने खेला है नाइट टेक c6 और ब्लैक ने खेला है b takes c6। ऑब्वियसली उसको मानना पड़ेगा, अदरवाइज ये जो क्वीन है वो अटैक में थी और यहाँ पे ये पॉन ऑब्वियसली ये जो है वो इसको मार देगा। तो उसको बचाने के लिए Bd3 एंड ब्लैक d takes e4, Bd takes e4, Bd a6। बहुत ही अच्छा सा मूव Bd a6, क्योंकि ये मूव से ये जो रुक है वो भी अटक में है और साथ में ये बिशप का भी डेवलपमेंट हुआ है। तो यहाँ पे वाइट खेल रहा है ये रुक को सेव करने की बजाय उसने इंटरमीडिएट मूव खेला है और वो इंटरमीडिएट मूव उसने खेला है Bd takes c6। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर वो हमारे रुक को मार सकता है तो अगर हम उसको रुक को मार देंगे तो वो भी हमारे रुक को मार देगा। तो यहाँ पे ब्लैक ने खेला है Rc8। ओके, Rc8, वाइट ने क्वीन को सेक्रीफाइस करने का डिसीजन लिया है। ऑब्वियसली हम ये रुक से नहीं मारेंगे क्योंकि ये रुक से मारेंगे तो ये जो उसका अटैक है वो चला जाएगा, तो हम ये रुक से मारेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि पूरी तरीके से ये जो गेम है वो किस तरीके से किस कहाँ पे कन्वर्ट होती जा रही है। रुक f to d1। अब यहाँ पे अगर हम ये बिशप को मार देते हैं तो ऑब्वियसली वो हमारे रुक को भी मार देगी। तो सबसे पहले हमें ये रुक को मारना पड़ेगा और वो भी हमारे रुक को मार देगी और फिर उसके बाद में Rc6। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मटेरियल में कौन आगे है। ऑब्वियसली वाइट ने या ब्लैक ने ये बिशप को मार दिया है और यहाँ पे वाइट कुछ भी करके उसको चेकमेट करना चाहती है। तो वाइट ने खेला है Rc8। ऑब्वियसली ब्लैक के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है और वो है Bf8 और यहाँ पे उसने खेला है Bd6। अब Bd6 के बाद यहाँ पे ब्लैक ने खेला है Rc8। अब ये मूव के बाद वाइट ने तुरंत ही गेम को रिजाइन कर दिया क्योंकि वाइट रुक के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगर वो हमारे रुक को मारता है तो हम भी उसके रुक को मार देंगे, अगर वो हमारे बिशप को मारता है तो हम भी उसके बिशप को मार देंगे। और आप देख सकते हो कि ब्लैक मटेरियल में आगे है और पूरी तरीके से ये गेम जीत सकता है। तो ये गेम दो ग्रांड मास्टर्स के बीच खेली जा चुकी है और किस तरीके से ये गेम में ब्लैक ने अपने मटेरियल में एडवांटेज ले लिया है। तो आइए देखते हैं कि किस ये गेम की समरी क्या थी।